पक चुका है, यानी कि हल्का हल्का मैंने दबा के देखा है तो ये पक चुका है। तोड़ लूँगा और एक दिन रखने के बाद इसको हम खाने में प्रयोग कर सकते हैं। अब पौधे का स्टेम स्ट्रांग नहीं होगा, यानी कि फल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे चीकू के पौधे की। बहुत लोग चीकू का पौधा अपने टेरेस गार्डन में लगाना चाहते हैं, लेकिन वैरायटी सेलेक्ट नहीं कर पाते कि कौन सी वैरायटी सही है। दोस्तों, आज का वीडियो चीकू के पौधे पर है, उसकी वैरायटी पर है और उसको कैसे लगाएं, कुछ बातें इस पर भी मैं बताऊंगा। मैं हूं जय प्रकाश और आप लोग देख रहे हैं अपना प्यारा यूट्यूब चैनल जय होम गार्डनिंग। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं चीकू के पौधे की संपूर्ण जानकारी देने वाला हूं। चैनल पर जो लोग फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि गार्डनिंग संबंधी मैं जब भी कोई वीडियो अपने चैनल पर अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम टाइम से मिल सके। तो बिना देरी करते हुए इस वीडियो करता हूं स्टार्ट। दोस्तों, ये जो सामने आप पौधा देख रहे हैं चीकू का पौधा है, और अक्सर लोग समझ नहीं पाते कि चीकू की कौन सी वैरायटी उपयुक्त है गमले के लिए, टेरेस गार्डन के लिए। आज के इस वीडियो में यही बताने वाला हूं कि गमले में, ग्रोबैग्स में, कंटेनर के लिए चीकू की कौन सी वैरायटी सबसे बढ़िया है और ज़्यादा फलन वाली है। कुछ वैरायटियों के नाम आप लोगों के सामने मैं लेने वाला हूँ, जिसमें काला पत्ती चीकू है, क्रिकेट बाल चीकू है, थाई चीकू है, साधारण चीकू है, रेड चीकू है, वाइट चीकू है, चीकू मम्मी है। तो बहुत सारे चीकू की और भी वैरायटियां आती हैं, तो इसमें जो सबसे बेहतरीन वैरायटी है उन वैरायटी का मैं नाम लेना चाहता हूं, जिसमें से सबसे नंबर वन जो है काला पत्ती चीकू है, जिसका खाने में स्वाद भी बढ़िया है और टेस्ट भी इसका सही है। तो काला पत्ती जो है काफ़ी स्वीट होता है और ज़्यादा फल पकड़ता है, यानी कि आप काला पत्ती चीकू का पौधा लगाएंगे या थाई चीकू का पौधा लगाएंगे या क्रिकेट बाल का लगाएंगे तो फ्रूटिंग ज़्यादा से ज़्यादा होगी। तो इस चीज़ को आपको समझना होगा। आप देख सकते हैं कि इस चीकू के पौधे में सारे पुराने पत्ते गिर चुके हैं और यहाँ पर देखिए नए नए पत्ते आ रहे हैं, साथ में फूल भी आ रहा है, और इसमें कुछ चीकू इस वक्त लगे हुए हैं जैसा कि ये देख सकते हैं। और ये चीकू जो है अब पक चुका है, यानी कि हल्का हल्का मैंने दबा के देखा है तो ये पक चुका है। तो मैं इसे जो है अब तोड़ लूँगा और एक दिन रखने के बाद इसको हम खाने में प्रयोग कर सकते हैं। आप देख सकते हैं इसका साइज, ये है काला पत्ती चीकू। जिन लोगों ने नहीं देखा है देख लीजिए, इसका साइज़ ज़मीन में अगर ये पेड़ लगा हो तो थोड़ा और बड़ा हो सकता है, लेकिन गमले के लिए ये काफ़ी सही है। और ये करीब 100 ग्राम के आसपास इसका वज़न हो सकता है, और खाया है मैंने, काफ़ी फ्रूट इसमें लगे हुए थे, अभी भी लगे हुए हैं। और आप लोगों को एक चीज़ और बता दूं, चीकू का जो पौधा होता है वो 12 मासी की तरह होता है, यानी ऑल टाइम चीकू प्लांट कह सकते हैं, साल में दो बार इसमें चीकू लगते हैं। तो चीकू की मैंने जो वैरायटी बताई, काला पत्ती, क्रिकेट बाल, थाई चीकू, इसमें से आप कोई भी प्लांटेशन कर सकते हैं। और कंटेनर की अगर बात करें तो शुरुआती दौर में आप छोटे पॉट्स का प्रयोग कर सकते हैं। अगर आपने नर्सरी से इतना बड़ा प्लांट लिया, यानी जिसका स्टेम मोटा हो, तो आप डायरेक्ट 18 इंच के कंटेनर में लगा सकते हैं। चीकू की जो रूट्स होती हैं वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती हैं और जल्दी मरने वाला पौधा नहीं है। और चीकू का जब भी पौधा आप नर्सरी से खरीदें तो ग्राफ्टेड पोर्शन देख के खरीदें। ग्राफ्टेड पोर्शन ज़मीन की सतह पर, यानी नीचे की सतह पर नहीं होना चाहिए, करीब 10-15 सेंटीमीटर ऊपर होना चाहिए, ताकि जब आप वाटरिंग करें तो जहां से ग्राफ्ट हुआ है ये वहां पर पानी ना पहुंच पाए, क्योंकि अक्सर पौधे ग्राफ्टेड पोर्शन से ही ख़राब होते हैं। तो ग्राफ्टेड पोर्शन बिल्कुल नीचे की सतह पर नहीं होना चाहिए, थोड़ा ऊपर होना चाहिए, और ज़्यादा ऊपर भी नहीं होना चाहिए, नहीं तो अच्छी कैनोपी नहीं बन पाती। आप देख सकते हैं बिल्कुल बेहतरीन कैनोपी इस प्लांट की बनी हुई है। छोटे से पौधे में भी फूल आ जाता है, और अक्सर लोग मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करते हैं कि मेरे चीकू के पौधे में फूल आ गया और फ्रूट में कन्वर्ट नहीं हो रहा है। तो दोस्तों, जब तक चीकू के पौधे का स्टेम स्ट्रांग नहीं होगा, यानी कि फल होल्ड करने की जो क्षमता है उसकी बढ़ेगी नहीं, वो एक भी चीकू का जो फल है वो होल्ड नहीं कर पाएगा। तो इस चीज़ को आपको समझना होगा, क्योंकि छोटे चीकू के पौधे में फल नहीं रुकते हैं। तो फ्लावरिंग जब स्टार्ट हो जाए तो आप चीकू के पौधे को सीमित मात्रा में पानी दें, और जैसे जैसे इसमें फ्रूट सेट होने लगे आप पानी की मात्रा को बढ़ा सकते हैं। वेल ड्रेन सॉयल होनी चाहिए। आप जब पौधा लगा रहे हों चीकू का, तो मिट्टी जो बनाएं उसमें
बालू का प्रयोग कर सकते हैं, कोकोपीट का प्रयोग कर सकते हैं। पानी रुकना नहीं चाहिए, जब चीकू के पौधे में पानी रुकता है तभी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। साथ में नीम खली का प्रयोग कर सकते हैं, सरसों की खली का प्रयोग कर सकते हैं। तो जब भी आप चीकू का पौधा गमले में लगाएं तो गमले का सिलेक्शन प्लांट की हाइट के हिसाब से करें, जिस हाइट का पौधा है उसी हिसाब से गमले का सिलेक्शन करें। अगर आपका पौधा 2 फुट का है तो आप 12 इंच के पॉट में लगाइए, अगर आपका पौधा 4 फुट का है तो 18 इंच के पॉट में डायरेक्ट लगा सकते हैं। अब मैं आपको जो इसका अहम पार्ट है वो बताने जा रहा हूँ, मिट्टी का मिश्रण। आपको 50% इसमें मिट्टी लेनी है, 30% वर्मी कंपोस्ट लेना है और 20% में बालू ले सकते हैं या कोकोपीट का प्रयोग कर सकते हैं, थोड़ा नीम खली मिला सकते हैं या फंगिसाइड का प्रयोग कर सकते हैं। तो इस टाइप से इसकी सॉयल तैयार करें, बहुत बढ़िया तरीके से ये ग्रोथ दिखाता है। आप चाहें तो किचन वेस्ट का भी प्रयोग कर सकते हैं, और मैंने अपने इन दोनों चीकू के प्लांट को एक बढ़िया आकार देने की कोशिश की है, आप देख सकते हैं, और एक बढ़िया कैनोपी मैंने बना रखी है। ये प्लांट करीब 1.5 वर्ष का हो चुका है और बहुत बेहतरीन ढंग से ये ग्रोथ दिखा रहा है, और इस टाइप के चीकू मुझे करीब 8-10 चीकू खाने को मिल चुके हैं। इस साल मुझे ज़्यादा फ्रूटिंग मिलने की संभावना है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर फ्लावरिंग स्टार्ट हो चुकी है। जब नई नई पत्तियाँ निकलती हैं तो कीट मकोड़े भी चीकू के पौधे की तरफ आकर्षित हो जाते हैं, तो कीट मकोड़ों से बचाने के लिए आपको नीम ऑयल का स्प्रे करना चाहिए। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये नीम ऑयल है, और एक ढक्कन नीम ऑयल 1 लीटर पानी में घोलकर आप अपने प्लांट पर छिड़काव कर सकते हैं। नीम ऑयल अलग अलग PPM के आते हैं, 1000, 1500 और 2000 PPM के। तो 1500 PPM वाला ठीक रहता है मीडियम साइज़ का, तो आप 1500 PPM वाला नीम ऑयल प्रयोग कर सकते हैं। बहुत बहुत बढ़िया तरीके से ये नीम ऑयल काम करता है। एक महीने में एक बार नीम ऑयल का स्प्रे ज़रूरी है। वैसे आप चाहें तो केमिकल वाले कीटनाशक का भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करनी चाहिए कि हम जब ऑर्गेनिक फ्रूट अपने यहाँ उगा रहे हैं तो ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड का ही प्रयोग करें। अब दोस्तों हम बात करेंगे पौधे के लिए आवश्यक पोषक तत्व, जो कि हमने जैसे वर्मी कंपोस्ट स्टार्टिंग में दे दिया, तो कुछ माइक्रोन्यूट्रेंट ऐसे होते हैं जो कि हम वर्मी कंपोस्ट के माध्यम से नहीं दे सकते। तो उसमें आपको ये करना होगा कि ये सीविड एक्सट्रैक्ट है, 1 चम्मच सीविड एक्सट्रैक्ट आपको एक गमले में 1 महीने में एक बार देना है। साथ में 1 चम्मच एप्सम सॉल्ट का भी प्रयोग कर सकते हैं जड़ की बढ़ोतरी के लिए। अगर आपका चीकू का पौधा बिल्कुल भी ग्रोथ नहीं दिखा रहा है, बिल्कुल सुस्त पड़ा हुआ है, कोई एक्टिविटी नहीं हो रही है, तो आप 5 ग्राम ह्यूमिक एसिड का प्रयोग कर सकते हैं अपने पौधे में। ह्यूमिक एसिड से पौधा जो है सुस्त अवस्था से एक्टिव हो जाता है और अच्छी ग्रोथ दिखाता है। तो बहुत लोग पौधे ऑनलाइन मंगाते हैं, तो इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि ऑनलाइन में कभी कभी जो पौधा होता है वो शॉक में चला जाता है, तो इसीलिए शॉक से बाहर निकालने के लिए ह्यूमिक एसिड का प्रयोग ज़रूरी है। तो ह्यूमिक एसिड 5 ग्राम अपने पौधे में आप चाहें तो जब मिट्टी बना रहे हों तो अब भी मिला सकते हैं, और 35 दिन के बाद अगर आपको लगता है कि ग्रोथ नहीं स्टार्ट हो रही है तो आप दे सकते हैं, तो ह्यूमिक एसिड भी बढ़िया होता है। सरसों की खली का प्रयोग आप कर सकते हैं, ड्राई पाउडर करीब 5 ग्राम के आसपास, बहुत बढ़िया होता है। और जब फ्रूट लगने लगें तो आप चूने का प्रयोग कर सकते हैं, चूना बहुत बढ़िया होता है। करीब 2 ग्राम चूना 1 लीटर पानी में घोलकर अपने चीकू के पौधे में दे दीजिए, कैल्शियम की ये पूर्ति कर देगा और आपका पौधा मजबूती से खड़ा रहेगा, कोई दिक्कत समस्या होने वाली नहीं है। तो चीकू का पौधा फुल सनलाइट वाला पौधा है, और चीकू के पौधे को मॉर्निंग से लेकर इवनिंग तक की फुल सनलाइट चाहिए, तभी पौधा अच्छी ग्रोथ दिखाता है। तो चीकू के पौधे को आप कम से कम 7-8 घंटे की धूप दें, तभी ये पौधा अच्छी तरीके से ग्रोथ दिखाएगा। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैंने चीकू की वैरायटी के बारे में बताया, चीकू के पौधे में ज़्यादा से ज़्यादा फल कैसे लें इसके बारे में बताया, साथ में इसकी मिट्टी के बारे में बताया और पॉट साइज़ के बारे में भी बताया। दोस्तों आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप सभी दोस्तों को पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, ताकि और भी लोगों को ये जानकारी मिल सके। मिलते हैं नए टॉपिक से नए वीडियो में। सभी दोस्तों का अंत तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।